महाशिवरात्रि मनाने के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या है? प्रकृति के नियम अनुसार दुनिया की हर एक चीज नई से पुरानी और पवित्र से अपवित्र बनती है। काल चक्र के अनुसार यह सृष्टि भी सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग से गुजरते हुए अभी कलयुग के अंत तक पहुंच चुकी है, जिसे हम रौरव नरक भी कहते हैं। इसी तरह हर मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र से गुजरते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर तमो प्रधान बन चुकी है। हर मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी विकारों की गिरफ्त में फंस चुके हैं और अधर्म को ही धर्म समझने लगे हैं। जब विकारों की अति हो जाती है और यह दुनिया अज्ञानता और अनैतिकता की चरम सीमा तक पहुंच जाती है, तब इस घोर रात्रि में भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। ऐसी घोर रात्रि में भगवान आ करके सब मनुष्यों को ज्ञान की रोशनी देकर जगाते हैं, जिसकी यादगार में आज हम महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। हम जागरण भी करते हैं। जागरण माना अज्ञान नींद से जागना। तो खुशखबरी यह है कि कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने और सबको अज्ञान नींद से जगाने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। इस वीडियो में भगवान हमें बता रहे हैं कि वह कौन है, शिव और शंकर में क्या अंतर है। दो रूप शिवलिंग और तपस्वी शंकर और दो नाम शिव और शंकर क्यों हैं? अगर दोनों एक ही है तो हम शंकर रात्रि और शंकर लिंग क्यों नहीं कहते? क्यों शंकर का ही नाम शिव के साथ जुड़ा है और कोई देवता का क्यों नहीं? तो चलिए भगवान के महावाक्यों को हम ज्ञान के तीसरे नेत्र के माध्यम से समझते हैं। गीता में ऐसे बहुत से श्लोक आए हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि गीता का भगवान निराकार है। और निराकार कोई बिंदु को ही नहीं कहा जाता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी भी कहा जाता है। बिंदु को निर्विकारी कैसे साबित करेंगे, निरहंकारी कैसे साबित करेंगे? बिंदु को अगर देह ही धारण न करनी पड़े तो देहंकार कैसे साबित होगा? वास्तव में जो सदाशिव है वो भी इस सृष्टि पर आकर के देह धारण करता है और देह धारण करने के बावजूद भी निराकारी और निरहंकारी संसार के सामने साबित होकर दिखाता है। और इतना ही नहीं, बच्चों को भी आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। पढ़ाई तो पढ़ाता है ना, पढ़ने वाले सब एक जैसे तो नहीं हो सकते। कोई 100%, कोई कम परसेंट। तो जो स्टूडेंट 100% स्टेज में जाता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। हैं तो 33 करोड़ देवताएं हैं, परंतु उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। बाकी शिव तो है निराकार और वो तो सदा शिव है।
सदैव ही निराकारी स्टेज में रहने वाला है, देवान में कभी आने वाला है ही नहीं, देह का स्वरूप का ही नहीं, तो निराकार के पास कैसे जाएंगे? पास आवेगे पास और दूर जाना किसके लिए होता है, साकार के लिए या निराकार के लिए? साकार के लिए। बाकी शिव तो जो निराकार है, हिंदी का ही नाम शिव है, वो तो शरीर छोड़ करके मुक्ति धाम भाव पर चले जाए। तो अभी तुम समझते हो जो सदा शिव है, निराकार है, वो भी भाग्यशाली जब तुम्हें आते तो है ना, कि सदैव निराकार रहते, रथ में तो आना पड़े, और भाग्यशाली रथ भी मनुष्य का ही होगा, क्यों? भगवान के तो शास्त्रों में जानवरों के भी अवतार दिखाई, वो क्यों दिखाई? अरे भगवान क्या जानवरों को समझाने के लिए आएगा? जानवरों को समझ होती है क्या? भगवान को आकर के ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान मनुष्यों की समझने की चीज है, जिनको मनोबुद्धि ही नहीं वो ज्ञान को क्या समझेगी? इसलिए मुकर्रर मनुष्य तन में ही आते हैं, बैल को थोड़े ही भाग्यशाली करो, भाग्यशाली किसको कहेंगे? मनुष्य तन को भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली कहा जाता है, या जानवरों को भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली कहा जाता है? जानवरों को कोई भाग्यशाली कहेगा? वो तो है दुर्भाग्यशाली, मनुष्य नर से देवता बनता है, जानवरों की आत्मा तो फिर भी सत्य में जाकर के क्या बनेगी? जानवर ही तो बनेगी, देवता तो नहीं बन जाएगी। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे पदमा पदम भाग्यशाली हो, तो बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं, लेकिन मैं हूं निराकार, जैसे तुम आत्मा ज्योति बिंदु निराकार हो। तुम ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं निराकार की रोशनी तुम्हारी आंखों से निकल रही है। यो ज्योति बिंदु आत्मा स्टार आत्मा तुम्हारी भ्रकुटी में बैठी है। ये स्टार जब उड़ जाता है तो आंखें बटन जैसी हो जाती हैं। इसकी यादगार में हिंदू लोग टीका लगाते हैं, ये है आत्मिक स्मृति में टिकने की यादगार। माताएं बिंदी लगाती हैं, बिंदु रूप स्टेज की यादगार। ये भ्रकुटी के बीच में शरीर रूपी राज्य को कंट्रोल करने वाला राजा आत्मा बैठा हुआ है। तो बाप पहले पहले आकर हमको अपना परिचय देते हैं कि तुम सब ज्योति बिंदु आत्मा हो।
जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा होता है, कीटाणु का बाप कीटाणु जैसा छोटा होता है, हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा ताजा होता है, और सांप का बाप सांप की तरह लंबा होता है। ऐसे ही ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर वो भी ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और तुम आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली हो, 84 के चक्र में आने वाली हो। एक शरीर रूपी कपड़ा छोड़ती हो और दूसरा शरीर रूपी कपड़ा धारण करती हो। अनेक जन्म सुख भोगते भोगते तुम्हारी आत्मा में शक्ति क्षीण होती जाती है। ये सुख दुख भोगते भोगते आत्मा थक जाती है। सत्ययुग में बहुत बलवान थी, क्योंकि सत्य बाप ने आकर के सत्ययुग की रचना की थी। दुनिया की हर चीज जैसे चार अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो, चाहे मनुष्य हो चाहे मकान हो चाहे कोई भी वस्तु हो, ऐसे ही ये षष्ठ रूपी मकान भी चार अवस्थाओं से गुजरता है। इसे ड्रामा कहो, षष्ठ रूपी नाटक कहो, इसके चार सीन हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और तमो प्रधान कलयुग। तमो प्रधान कलयुग में आकर के सब आत्माएं तमो प्रधान काली बन जाती है, सब दुखी हो जाती है। जब खुद दुखी होती है तो दूसरों को भी दुख बांटती है। जिसके पास दुख होगा तो दुखी ही बांटेगा, तामस होगा तो तामस ही बांटेगा। जब सब दुखी हो जाते हैं तो जो इस सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो भी दुखी हो जाता है। मनुष्य सृष्टि का बाप का नाम दिया है एडम आदम आदिदेव। उस मनुष्य सृष्टि के बाप में वो सुप्रीम सोल गॉड फादर आकर के प्रवेश करता है, जो सदा निराकार है। हिंदुओं में उसे कहते हैं सदा शिव, और उस शिव ज्योति बिंदु की यादगार में बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। बड़ा क्यों बनाते हैं? जैसे आत्माएं बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु, बड़ा क्यों बनाते हैं? हैं? क्योंकि वो इस सृष्टि पर आकर के इतना बड़ा काम करके जाता है, जितना बड़ा काम और दूसरे धर्म पिताएं नहीं कर पाते, न इब्राहिम न बुद्ध न क्राइस्ट न गुरु नानक, कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। कौन सा काम? इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने का काम। वो सुखदाता बाप दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बनाने आता है। तो आदम में आकर के प्रवेश करता है,
जो आदम सृष्टि के आदि में सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष था, सारी दुनिया ने उसे पहचाना था, और कलयुग के अंत में आकर के जैसे कण कण में भगवान के लिए कह देते हैं तू कण कण में व्यापक है, वास्तव में मिट्टी के कणों में कण कण में मिक्स होकर के वो सुप्रीम सोल गॉड फादर नहीं रहता, वो जिसमें प्रवेश करता है वो दुनिया की कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली, नीचते नीच पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में मिक्स होकर के रहता है। जो कभी दुनिया का सरताज था, विश्व का मालिक था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी था, वो कलयुग के अंत में आकर के जो पांव के नीचे कण होते हैं ना मिट्टी के, उनमें मिक्स होकर के रह जाता है। लोग कह देते हैं कण कण में व्यापक है, अरे सुप्रीम सोल गॉड फादर कण कण में व्यापक नहीं होता, वो जिसमें प्रवेश होता है वो कलयुग के अंत में कण कण जैसी आत्माओं के बीच में मिक्स होकर के रह जाता है, कोई उसे नहीं पहचानता। तो सुप्रीम सोल बाप उस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके आकर के पहचान देते हैं कि ये सारी दुनिया झूठी है, इस 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में एक ही मेरा सच्चा 100% बच्चा है जिसे मैं आकर के अपनाता हूं, प्रवेश करता हूं, मुकर्रर रूप से रथ बनाता हूं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, भक्तों ने गाया। जिन भक्तों ने गाया उनके बाहरी नैन तो थे, लेकिन जो तीसरा नृत्य है वो नहीं था। तीसरा नेत्र पाने के लिए इस गीत में प्रार्थना की है, वो तो भक्त लोग प्रार्थना करते रहते हैं, नैन तो विचारों को मिलते नहीं। वो नैन जिससे नई दुनिया की राह देख सके, परमात्मा धाम की राह देख सके, अपने अनेक जन्मों के पार्ट को देख सके, क्योंकि वो तो गीत गाते हैं, सिर्फ कलरस के लिए गाते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ दिखावा होता है, अंदरूनी सात नहीं होती है कि हमें वो नैन मिले जिन नैनों से हम प्रभु के दर्शन करें। इन स्थूल आंखों से तो ना आत्मा दिखाई पड़ती है,
न परमात्मा बाप दिखाई पड़ता है। परमात्मा बाप निराकार कहा जाता है, निरंजन निराकार परम ब्रह्म कहा जाता है, उसको इन्हें स्थूल नेत्रों से तो देखने की बात ही नहीं। भक्तजन जो तीसरा नेत्र मांगते हैं, वो तीसरा नेत्र यही जानो तेही देव जनाई, वो भगवान से माकर के तीसरा नेत्र देते हैं। जिसको तीसरा नेत्र होगा वही दूसरे को तीसरा नेत्र देगा, या जिसको होगा ही नहीं वो देगा? जिसके पास लाख करोड़ होगा तो दूसरों को कुछ न कुछ देगा, खुद ही रोडपति है तो देगा कैसे? तो भारतीय परंपरा में तीसरा नेत्र किसको दिखाया जाता है? कौन है वो प्रभु जिसके लिए भक्त ने गाया है ये गीत, गाया है प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ? वो तीसरा नेत्रधारी कौन सा है? कोई देवता है? कोई देवता विशेष का नाम गाया हुआ है? नहीं है। कौन है? शंकर को कहते हैं, लेकिन शंकर को भगवान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शंकर ही अगर भगवान होता तो वो ध्यान में किसके बैठता है, किसका ध्यान करता है? देव देव महादेव कहा जाता है, देवताओं में सबसे बड़ा देवता तो है लेकिन भगवान तो नहीं है। भगवान कौन है? शिव शंकर को मिला के इकट्ठा कर दिया है। शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में, तो शंकर भी उस प्रभु को याद करता है जिसका नाम शिव है। वो शिव नेत्र जो तीसरा नेत्र कहा जाता है, वो उसकी भ्रकुटि के मध्य में आकर प्रवेश करता है। माना शिव अलग है और शंकर की सोल अलग है। शिव की सोल में जो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है, वो जब शंकर में प्रवेश करता है तो शंकर की आत्मा भी उसी के ध्यान में मग्न हो जाती है, शिव को याद करती है। इसलिए शिव का लिंग बनाया जाता है और शंकर की मूर्ति बनाई जाती है। शिव लिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिव लिंग को हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते, इसका मतलब वो निराकार का प्रतीक है जिसके लिए भारतीय शास्त्रों में गाया हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावर जोगी। उसको आंख नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, मुख नहीं है फिर भी बोलता है। कैसे बोलता है?
कवि लोग जो तो कविता करके चले गए, वो कवि उस मर्म को फिर भी जानते थे। उन कवियों की कविता का इंटरप्रिटेशन बाद में करने वाले जो आए, उन्होंने उनका मनमाना अर्थ निकाल लिया। गाते तो बहुत हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, उसको हाथ नहीं है, कान नहीं है, पांव नहीं है, फिर भी सारे कार्य करता है। कैसे करता है? अरे वो तो भगवान है, सब कुछ कर सकता है, मरी मक्खी को भी जिंदा कर सकता है। अरे भगवान है तो प्रकृति के नियमों को तोड़ेगा क्या? कुदरत तो उसी की रची हुई है, अपनी ही रची रचना के नियमों को तोड़ने के लिए आएगा क्या वो? भगवान कभी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता। भगवान तो सृष्टि पर जब आता है, क्योंकि वो निराकार है, अकर्ता है, अभोक्ता है, वो जनमन के चक्र से न्यारा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता हम आत्माओं की तरह। तो जब वो इस सृष्टि पर आता है, तो जैसे गीता में लिखा हुआ है, एक शब्द है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे कोई भूत प्रेत आत्मा है, कोई में प्रवेश कर जाती है, तो मनुष्य आत्माएं होते हुए भी दूसरों में प्रवेश करती है, तो क्या परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता? परमात्मा तो उन सूक्ष्म शरीरधारियों से भी जास्ती सूक्ष्म है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा शिव सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है, तो इस सृष्टि के रंगमंच का जो हीरो पार्टधारी है, कौन होगा हीरो पार्टधारी? देवताओं में जो सबसे बड़ा देवता होगा वो हीरो पार्टधारी होगा, या राक्षसों में दुख देने वालों में जो सबसे बड़ा राक्षस होगा वो हीरो पाठधारी होगा? हीरो पाठधारी कौन होगा और विलियन कौन होगा? जरूर राम और कृष्ण दो ही ऐसी हस्तियां भारतवर्ष में गाई हुई है जिनका विशेष गायन है मानवीय रूप में। तो वो राम वाली सोल में प्रवेश करता है और संसार के अंदर शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष होता है। वही हीरो पाठधारी है शक्ति रूपी रंगमंच का। उस राम के मुकाबले रावण विलियन है, अपोजिशन में पार्ट बजाने वाला, वो निराकार शिव जब राम की सोल में प्रवेश करता है, शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा पार्ट बजाता है। उस वक्त परमात्मा पाठधारी के लिए ही भक्तों ने गाया, हे प्रभु नैन हीन को राह दिखाओ।
भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है और एक बाप है सारी मनुष्य सृष्टि का, उसे एक ऊंचे ऊंचे बाप जिसे एडम आदम आदि देव कहा जाता है उसमें ही आता है। वो सन्यासी शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण है, तुम आदिदेव हो आदि पुरुष हो, परंतु फिर समझते नहीं है कि वो आदिदेव शंकर कैसे है। शंकर साकारी है, मूर्तमान है या अमूर्त निराकारी है? शंकर की तो मूर्ति है, वो तो साकारी है, उसमें जो प्रवेश करने वाला शिव है वो निराकारी है और वो सदैव निराकारी है, निराकारी स्टेज में रहने वाला है। इसलिए शंकर के मस्तक में दो आंखों के साथ साथ तीसरा नेत्र खड़ा हुआ भी दिखाते हैं, त्रिनेत्री कहा जाता है, वो शिव नेत्र कहा जाता है। तीसरा नेत्र का नाम क्या है? शिव नेत्र। उस जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा का नाम ही शिव है, वो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता और जिसमें प्रवेश होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है उसको आप समान बनाता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी शिव है वो शंकर को भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है, नहीं तो शंकर किसकी याद में बैठा है? शंकर भी देवता है, देवताओं में बड़ा देवता है, महादेव है, भगवान नहीं है। भगवान तो उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके आप समान बनाता है, वो भगवान तो एक है और एक ही सत्य सुनाता है, अनेक प्रकार की बातें नहीं बनाता। ये भी नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया, दूसरे धर्म वाले सब जानते क्या कि हमारा धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, मुसलमान कहेंगे मोहम्मद ने स्थापन किया, सिख कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया, कब किया वो भी बता देंगे। एक भारतवासी है जिनको यही पता नहीं है कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, और फिर वो कब स्थापन करने के लिए आएंगे कुछ भी पता नहीं। वो दूसरे धर्म के लोग फिर भी जानते हैं कि जब कयामत होगी तो हमारे धर्म पिता पैगंबर फिर प्रत्यक्ष होंगे, बार बार तो ये भी पता नहीं। शिव जयंती मनाते रहते हैं, जब जयंती मनाते हैं तो सर्वव्यापी कैसे होगा? जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? साकार में कुछ होता है तो उसकी जयंती मनाते हैं। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो जयंती मनाई जाती है क्या? नहीं, जब प्रत्यक्ष होती है तो जयंती मनाई जाती है। यहां भी है बाप सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदु, वो जब इस सृष्टि पर आता है तो जयंती नहीं मनाई जा सकती,
वो जब इस शक्ति पर कोई मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तब उसकी जय हो जाएगा।